नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसी मिसाल पेश की है जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। ऐसे ही महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आजादी में अहम योगदान दिया। स्वाधीनता आंदोलन में कई बार जेल की सजा भुगत चुके लाल बहादुर शास्त्री ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पूरा जीवन ही देश की सेवा में बीता। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कभी भी समझौता नहीं किया। उनका ये दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व 1965 के युद्ध में भी देखने को मिला। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया बल्कि सेना को माकूल जवाब देने की खुली छूट तक दे डाली और हमेशा की तरह हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह परास्त किया। अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में भी शास्त्री जी का बेहद अहम योगदान है। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, उनके विचार, उनके संघर्ष, उनके विस्तृत आयाम और देश को नई दिशा देने में उनके योगदान की। भारतीय राजनीति में जब भी सादगी की बात होगी लाल बहादुर शास्त्री का नाम पहले पायदान पर होगा, लेकिन सादगी उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पक्ष थी। संकटों को सुलझाने की उनकी काबिलियत और मजबूत फैसले लेने की उनकी क्षमता, ऐसी बातें उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करती हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी का दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान देश का राष्ट्रीय नारा बन गया जो लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता और मजबूत इरादों को बखूबी दर्शाता है। हरे भरे लहलहाते खेतों को देखकर हमें हमारे अन्नदाता और सीमा पर बहादुरी से दुश्मन को धूल चटाने वाले तीनों सेना के जवानों पर गर्व होता है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी इस ताकत और उन्नति में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया तो उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। ये भारत के इतिहास में चुनौतीपूर्ण समय था और देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ा कर रहा था। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन वो देश के उस दृढ़ नेता के तौर पर उभरे जिन्होंने अपनी सेना को आत्मविश्वास और जोश से भर पाकिस्तान को सबक सिखाया। सैनिकों के प्रति शास्त्री जी के मन में जो आदर और विश्वास था उतना ही अपने किसानों के प्रति भी नजर आया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि सरहद पर खड़े जवान और खेत में काम करने वाले किसान की अटूट मेहनत और श्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। दरअसल शास्त्री जी देश निर्माण और उसकी सुरक्षा में सैनिकों और किसानों के महत्व को काफी अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने उस दौर में जय जवान जय किसान का नारा दिया जो आज भी फिजा में गूंजता रहता है। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक
तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का उद्घोष करने के साथ ही देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास की भी अपील की। उस वक्त भूखमरी और अकाल जैसी समस्याओं के रहते इसका सटीक जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था। आबादी के इसी तरह बढ़ते रहने और अनाज की ठहरी हुई पैदावार की दशा में देश का क्या होगा। आजादी के बाद से 1960 तक देश में गेहूं और चावल की पैदावार औसतन प्रति हेक्टेयर 1 मेट्रिक टन पर स्थिर थी, जबकि इस दौरान खेती का रकबा लगातार बढ़ा। पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाने की विवशता में देश जहाजों से लदकर आने वाले अमरीकी गेहूं का मोहताज बन गया था, और शिप टू माउथ जैसा मुहावरा हमारी अर्थव्यवस्था को मुंह चढ़ा रहा था। दरअसल भारत पाक युद्ध के दौरान देश में अनाज की कमी हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को अनाज का निर्यात रोकने की धमकी तक दे डाली। शास्त्री जी जानते थे कि खाद्यान्न के लिए भारत पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन वे इस धमकी के आगे नहीं झुके, और ऐसी नाजुक परिस्थिति में शास्त्री जी ने देश के आम लोगों से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन का उपवास रखा जाए। उनके इस आग्रह का देश के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। घर घर के साथ ही कई रेस्टोरेंट और होटल ने भी उनके आह्वान पर कुछ दिनों तक शाम को अपने चूल्हे बंद रखे। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि के विस्तार के लिए सिंचाई और खनिज उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के विस्तार को समर्थन दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मैक्सिको से गेहूं के बीजों के आयात की मंजूरी दी, इसे समय की मांग करार दिया। इन सभी प्रयासों के चलते बौने गेहूं का क्षेत्र 1964 में महज 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1970 में 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। सन 1968 में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जबकि इससे पहले सर्वाधिक 120 लाख टन उत्पादन 1964 में हुआ था। शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे ने किसानों को जोश से भर दिया। एक क्रांति आ गई। पूरे देश के किसानों ने पैदावार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जो हरित क्रांति में तब्दील हो गई। शास्त्री जी की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि 1968 में देश की आबादी जब 1947 के मुकाबले करीब 1.5 गुनी हुई, तब गेहूं उत्पादन 3 गुना बढ़ा, और 90 का दशक आते आते देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाल बहादुर शास्त्री बेहद ईमानदार, मजबूत संकल्प, कठिन परिश्रमी और ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व थे। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस मजबूती और विश्वास के साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गया। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को चारों खाने चित करने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद अगर देश की अस्मिता और अस्तित्व पर खतरा होगा तो भारतवासी जंग से भी दूर नहीं रहेंगे। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम से जुड़े दिग्गज नेता विनम्र और दृढ़ निश्चयी लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। आजादी के बाद 1952, 1957 और 1962 में हुए आम चुनाव में पार्टी की निर्णायक और जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा और चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता से लोग वाकिफ हो चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री खुद के बारे में स्वयं ही कहते थे, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हूँ।
शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। उन्होंने इस बात को 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान साबित भी कर दिया, जब भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी। दरअसल 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश को नेतृत्व प्रदान करने का भार लाल बहादुर शास्त्री के कंधों पर आ गया। 2 जून 1964 को वे कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए। इसके बाद 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 11 जनवरी 1966 को अपने निधन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर 18 माह की छोटी सी अवधि के दौरान उन्हें अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बिना विचलित हुए अपनी सूझबूझ से उनका समाधान तो ढूंढा ही, एक नई इबारत भी लिख दी। इस दौरान उन्होंने चीन के हाथों 1962 के युद्ध में हुई पराजय की ग्लानी को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजयश्री का सेहरा पहनाकर देश को ग्लानी से मुक्त करा दिया। दरअसल बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ बुरी नजर रखता है, और जब 1962 की लड़ाई में भारत चीन से हार गया, तब पाकिस्तान को ये भ्रम हो गया कि भारतीय सेना के हौसले पस्त हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने हजारों सैनिकों के साथ भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया। पाकिस्तान का लक्ष्य था कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों, गुलमर्ग, पीर पंजाल, उरी और बारामूला समेत पूरे कश्मीर पर कब्जा करना। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपनाई गई रणनीति के चलते पाकिस्तान की योजना धरी की धरी रह गई और उसे मुंह की खानी पड़ी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे वक्त में जवानों की हौसला अफजाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि सीमा के पार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। शास्त्री जी के इस आदेश के बाद भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर गई और पाकिस्तान में घुसकर दो तरफा हमला किया। शास्त्री जी के इस फैसले ने पाक सेना को हैरत में डाल दिया और इसी कारण उसे छांव अखनूर सेक्टर से अपनी सेना को हटाकर लाहौर और सियालकोट तक ही सीमित रखना पड़ा। इस मौके पर 15 अगस्त 1965 को लाल किले के प्राचीर से दिया गया उनका भाषण अटल निश्चय और मजबूत व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाता है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों देशों ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वो जन भाषा में जन संवाद करते थे, जन भावनाओं को समझते थे। सक्षम प्रशासक के रूप में उन्होंने कड़े निर्णय लिए और उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। उन्होंने जिन नैतिक मूल्यों को स्थापित किया वो आज भी प्रासंगिक है और भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। जय जवान, जय किसान। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक अनुकरणीय नेता थे। इनके नैतिक मूल्य, विनम्रता, साहस, सत्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प की आज भी मिसाल दी जाती है। ये भारत के एक महान पुत्र थे, जिन्होंने हमारे देश की पूरी लगन और समर्पण के साथ सेवा की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक गरीब परिवार से निकलकर और सबसे बड़े लोकतंत्र का कुशल नेतृत्व कर शास्त्री जी ने एक मिसाल पेश की थी।
इन्होंने ये दिखा दिया था कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है। इनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। शास्त्री जी सिर्फ 1.5 वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हो गया था और इनकी माता अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई थी। शास्त्री जी को वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि ये उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये रोज कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके स्कूल जाया करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। इनकी हाई स्कूल और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। यहीं से इनको शास्त्री की उपाधि मिली। संस्कृत में स्नातक होने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ में शामिल हो गए और यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। इन्होंने सिर्फ 11 बरस की उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से जब आह्वान किया, उस वक्त शास्त्री जी कुल 16 बरस के थे और इन्होंने इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी भेजा था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। शास्त्री जी पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए थे। नमक सत्याग्रह में शामिल होने की वजह से इन्हें 2 बरस से अधिक की कैद भी हुई थी। इन्होंने कई विद्रोही अभियानों का भी नेतृत्व किया था। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो शास्त्री जी को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही ये गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। शास्त्री जी 1951 में दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसमें रेल, परिवहन और संचार, वाणिज्य एवं उद्योग और गृह मंत्रालय शामिल थे। शास्त्री जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे और उसमें अपना भरपूर योगदान देते रहे। 1952 से 1957 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। साथ की देशभक्ति और ईमानदारी के लिए 1966 में शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भविष्य को लेकर शास्त्री जी की सोच स्पष्ट थी। अपने देश की क्षमता पर इनका दृढ़ विश्वास था और ये मानते थे कि तमाम बाधाओं के बावजूद देश मजबूत बना रहेगा। शास्त्री जी बाहर से जितने विनम्र और सरल थे, अंदर से उतने ही सख्त और साहसी व्यक्तित्व वाले थे। देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए कई अवसरों पर इन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कठोर फैसले लिए थे। शास्त्री जी महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे और इनकी राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। इन्होंने गांधी जी के लहजे में ही एक बार कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति में जितनी कर्मठता और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया, उतना ही सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और उच्चतम आदर्शों का पालन भी किया। वो करुणा, समानता जैसे विचारों पर चलने वाले सही अर्थों में एक सेवा भावी नेता थे। जीवन और नेतृत्व को लेकर उनके विचार तड़क भड़क, शब्दों से खेलने या बात घुमाने के नहीं थे, बल्कि वो मानवता, ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान होकर काम करने वाले व्यक्ति थे। अपनी ईमानदारी, सादगी और उच्च नैतिक आदर्शों के लिए पहचाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने सत्ता को कभी भी सुख या वैभव भोगने का साधन नहीं माना। प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि अन्य पदों पर रहते हुए भी इन्होंने उच्च आदर्श और नैतिकता का उदाहरण पेश किया। 1956 में जब ये रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। खुद को जिम्मेदार मानते हुए इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वो इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। सामाजिक चेतना के लिए भी शास्त्री जी ने कई उत्कृष्ट कार्य किए और लोगों को जागरूक किया। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी की तरह एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। उन्होंने देश की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा और हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है देश की एकता को स्थापित करना। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहसिक और दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। इनकी साफ सुथरी छवि, सादगी, सरलता और आम जनता से सीधे संवाद करने की कला इन्हें एक अलग पहचान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।